विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों 3 दिवसीय केन्या के दौरे पर हैं, जहां पर वो दोनों देशों के बीच बेहतर कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं। इसी कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केन्या की राजधानी नैरोबी में महात्मा गांधी लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर एस जयशंकर ने कहा कि भारत ही दुनिया के हर देश में महात्मा गांधी के शांति और अहिंसा के पाठ को पढ़ा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि महात्मा गांधी का जो शांति और अहिंसा का पाठ है, उसे हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के तमाम देशों को पढ़ना चाहिए। केन्या के तमाम छात्रों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी को बहुत ही संजीदगी के साथ महात्मा गांधी जी के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि उनकी जिंदगी की फिलॉसफी सिर्फ भारत के लिए नहीं है, वो समूची इंसानियत के लिए है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।